शायद आप में से ऐसा कोई होगा जिसने रिसेंटली G20 के बारे में सुना नहीं होगा। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। Leaders are arriving at the G20 summit, which is just getting underway now in Delhi, in India. G20 leaders are meeting in India this weekend amid considerable divisions over the war in Ukraine and other key global issues. Hello everyone, welcome to my channel. आज हम जानेंगे G20 के बारे में कुछ questions और उनके answers. जैसे कि G20 आखिर क्या है and when it started, G20 में कौन सी countries आती हैं? G20 समिट के लिए भारत को ही क्यों चुना गया? How much भारत has spent on G20 and why? Why G20 forum is considered so important? What are the 5 biggest achievements for India in this G20? Why G20 will be called G21 from 2024? And G20 के वजह से कौन से स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें G20 की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं G20 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। G20 में 19 देश है और वो 19 देशों के अलावा एक यूरोपियन यूनियन भी है। इन सबको मिला के बनता है G20। इस ग्रुप में 20 कंट्रीज आती है और उनका नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फाइनली यूरोपियन यूनियन। G20 की स्थापना हुई थी साल 1999 में, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। इस फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि इन 20 देशों ने डिसाइड करके एक ग्रुप बनाया जिसमें 20 देशों के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स शामिल थे। उस वक्त इस G20 का मेन पर्पस था कि ये गवर्नर्स और फाइनेंशियल मिनिस्टर्स साल में एक बार मिले और ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करें। G20 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज G20 रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ एंटायर वर्ल्ड्स GDP, मोर देन 75% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेड एंड 66% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अब जानते हैं भारत को ही क्यों चुना गया G20 की प्रेसिडेंसी करने। G20 में कोई भी कंट्री परमानेंट प्रेसिडेंट या होस्ट नहीं होती, इनकी प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती रहती है। इन 20 देशों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक ग्रुप में मैक्सिमम 4 कंट्रीज होती है। ग्रुप 1 में आती है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया और US। ग्रुप 2 में आती है भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। ग्रुप 3 में आती है अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको। ग्रुप 4 में आती है फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK। ग्रुप 5 में आती है चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। EU ग्रुप ये 20th मेंबर है और ये इनमें से कोई भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। हर साल इस ग्रुप में से एक कंट्री को G20 की प्रेसिडेंसी करने का मौका मिलता है और इसी रूल की वजह से भारत को इस साल मिला G20 की प्रेसिडेंसी या होस्टिंग करने का मौका। और भारत G20 का प्रेसिडेंट रहेगा 30th नवंबर 2023 का। भारत ने इस साल G20 का थीम सेट किया है और इस थीम के हिसाब से अगर आप इस थीम को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार। इसको हिंदू ग्रंथों में जैसे कि ऋग्वेद या महाउपनिषद में भी पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ थीम इज बेसिकली अ ग्लोबल रोड मैप फॉर सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। अब जानते हैं भारत ने कितने रुपए स्पेंड किए इस G20 मीट पे। अगर 2023-24 के बजट को देखा जाए तो भारत ने इस G20 मीट के लिए अलाइन किए थे 990 करोड़ रुपीस, लेकिन रीसेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड से पता चला है दैट भारत हैज स्पेंड मोर देन 4500 करोड़ रुपीस ऑन दिस मीटअप। इट अपीयर्स दैट 4500 करोड़ रुपीस वर स्पेंट ऑन दिल्लीज ब्यूटिफिकेशन, रोड सिक्योरिटी, फुटपाथ लाइटनिंग एंड सेवरल अदर थिंग्स रिलेटेड टू द G20 समिट। This is 7 times more than what Germany spent on their G20 summit. But this is not a waste of money. It will definitely help Bharat in the long run. Now let's understand how the rotating of this G20 presidency works. G20 presidencies ko rotate karne ke liye ye G20 member countries responsible hoti hai. For example, jis country ne G20 ki presidency kar li hai aur jo country G20 ki presidency kar rahi hai aur jo country G20 ki presidency karne wali hai, aise tino countries ko ek naam diya jata hai jise kehte hai Troika. ट्रोइका एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक व्हीकल जो 3 हॉर्स मिलके चलाते हैं। उसी सेम मैनर में ये ट्रोइका यानी 3 देश रिस्पॉन्सिबल होते हैं G20 की प्रेसिडेंसी करने में। फॉर एग्जाम्पल 2022, 2023 और 2024 के ट्रोइका है इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। अब जानते हैं ये G20 मीट्स इतनी फेमस क्यों होती है। जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 1999 में इन G20 मीट्स में इन कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इनफॉर्मल मीट करते थे, लेकिन साल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इस G20 को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला और तब से इन G20 मीट्स में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को इनवाइट किया गया। इस G20 फोरम में बड़े बड़े इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं जैसे कि ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट, एंटी करप्शन एंड टेररिज्म। अब जानते हैं इस G20 का स्ट्रक्चर कैसे होता है।
G20 मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है शेरपा ट्रैक और एक होता है फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक का हेड ये एक शेरपा होता है जो प्रेसिडेंसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस बार G20 समिट के शेरपा है अमिताभ कांत, हु इज ऑल्सो द सीईओ ऑफ नीति आयोग। शेरपा का मतलब होता है अ सिविल सर्वेंट और अ डिप्लोमैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ G20 समिट। शेरपा ट्रैक मेनली सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और इन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए इस शेरपा ट्रैक ग्रुप में 13 वर्किंग ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं। ये वर्किंग ग्रुप्स कुछ इस प्रकार से हैं। सेकेंडली फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हु जनरली मीट्स 4 times a year। फाइनेंस ट्रैक मेनली फोकसेस ऑन द फिस्कल इश्यूज एंड द मॉनेटरी इश्यूज, फॉर एग्जांपल ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल टैक्सेशन। और इन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए इस फाइनेंस ट्रैक में 8 वर्किंग ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन इश्यूज एंड फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज। शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक के बाद और एक अनऑफिशियल ग्रुप होता है जिसे एंगेजमेंट ग्रुप बोला जाता है। इस एंगेजमेंट ग्रुप में नॉन गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के इश्यूज ड्राफ्ट करते हैं और इसके रिकमेंडेशंस G20 लीडर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब जानते हैं व्हाई G20 विल बी कॉल्ड G21 फ्रॉम 2024। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट अचीवमेंट इन दिस G20 फोरम बिकॉज इट विल गिव अ ग्रेटर वॉइस टू द ग्लोबल साउथ एंड इट इज हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर अस बिकॉज इट इज हैपनिंग इन इंडिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वन ऑफ द 5 बिगेस्ट अचीवमेंट दैट इंडिया हैज अचीव्ड इन दिस G20 फोरम। फर्स्ट, द अफ्रीकन यूनियन हैज बीन इंडक्टेड एज द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ G20। Comprehensive rail and shipping connectivity network announced linking US, India, Saudi Arabia and Gulf and Arab states and European Union. Third, Delhi Declaration was adopted with China and Russia in agreement to it. It called on nations to uphold international law, including territorial integrity and sovereignty, international humanitarian law and the multilateral system that safeguards peace and stability. It is being offered as an alternative to China's Belt and Road project, which has left a host of developing countries in deep debt, such as Pakistan, Kenya, Zambia, Laos, and Mongolia. 4. PM Modi announced the launch of Global Biofuel Alliance to boost the use of cleaner fuels. It was affirmed that this alliance will accelerate global efforts to meet net zero emission targets by facilitating trade in biofuels derived from various sources, including plant and animal waste. 5. Trust deficit has risen in recent years, has to overcome by greater cooperation between member countries of G20. अब फाइनली जानते हैं इस G20 समिट की वजह से किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल हो सकता है। द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर इज प्राइम्ड फॉर ग्रोथ विद सपोर्टिव पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स ऑन द होराइजन। टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर जैसी कंपनीज को इससे बेनिफिट हो सकता है और साथ ही में स्टार्टअप्स विच आर फोकसिंग ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी। एडिशनली इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, फार्मा and chemicals are expected to thrive as Bharat explores new trade opportunities. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा G20 related what, when, why and how के बारे में। I hope this was useful. Sumit Chaudhary signing off.